हेलो साथियों, आज हम लोग अवतल दर्पण के गुण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। दोस्तों, जब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यह हमेशा उल्टा होता है और यह दर्पण के सामने होता है, और अवतल दर्पण का उस समय जो ऋण आवर्धन होता है वह ऋणात्मक होता है। जबकि जब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो प्रतिबिंब सीधा होता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। और साथियों, इसका आवर्धन जो होता है वह धनात्मक होता है और आकार में हमेशा वस्तु के से छोटा होता है प्रतिबिंब। लेकिन जब वास्तविक बनता है तो उस समय बड़ा भी बन जाता है और बराबर भी बनता है तथा छोटा भी बनता है। अब दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं, सौर कुकर के रूप में करते हैं, सौर भट्टी के रूप में करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में और बहुत सारे उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है।